हेलो तो कमाल की लग रही है डैड। अब ये देखता हूँ कि खाना भी कैसा बना हुआ है। आज कोई खास बात है क्या जो इतना सब कुछ? खास बात तो है पुत्र जी, आज छोटी दिवाली है और इस मौके पे बिट्टो पुत्र ने खास खाना बनाया है। दिल जीतना बहू को तुमसे सीखे और उसके बाद सारे माल पर कब्जा करना भी इन्हीं से सीखे। सच्ची बीना छोड़ो ना जी। बाप जी आप जरा चखिए ना। तो पहले ये खाना इसी को चखने दो, पता नहीं जहर ना मिलाया हो। क्या कह रही हो कामनी? क्या गलत कह रही भाई साहब? हो सकता है रोहन ने भी इन्हीं के हाथ का खाना चखा हो कुछ खास समझकर। नतीजा हमारे सामने है। बहू लव इट। पहले तुम पूछे तो। अरे वैसे भी इस घर के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मुझ पे होते। लाओ वाह क्या बात। बेटा तुमने तो अपनी सास के सारे 5 स्टार्स को मात दी। 5 स्टार होटल से अच्छा खाना खिलाना था तो रोहन को इस घर के लिए किसी बावर्ची को लाना चाहिए था। बहू नहीं, और वैसे भी घर की साफ सफाई करने वाली बाइयों और खाना बनाने वाले बावर्चियों से ज्यादा काम इसे आता भी कहाँ। हमें कुछ काम नहीं आता। पता नहीं ये क्या हो रहा है। हम तो जानते हैं कि माँ जी हमें पसंद नहीं करती, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है जो रोहन जी की सच्चाई के बारे में जानता है। पर ये जो भी है, अगर उसने हमारे या रोहन जी के बारे में सबको गलत तरीके से बताई तो हम सबकी नजरों में गिर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बहू। तुम्हारी जगह हमारी नजरों में तो इतनी ऊंची है बेटा कि वहां से कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। कामिनी भी नहीं। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होते हुए भी तुमने इस घर वालों की झोली के अंदर इतनी खुशियां डाली है कि बस यही बहुत है हमारे लिए। की बातों से डर के तुम घबरा मत जाना बेटा। और बस हम तो ये कहने आए थे बेटा कि आज छोटी दिवाली है, आज घर की लक्ष्मी घर के दरवाजे पर यम का दिया जलाती है।
ताकि घर पे कोई मुसीबत ना आए। वैसे तो ये काम कामनी को करना चाहिए, लेकिन सही मानों में घर की लक्ष्मी तो तुम ही हो, है ना? भगवान, हम सत्यवान की सावित्री तो नहीं, लेकिन जिस घर ने हमें सावित्री का स्थान दिया है, हम उस घर के लिए प्रार्थना करते हैं। रोहन जी को हर मुसीबत से बचा लेना भगवान। आज से हमारे हर सुख आपके और आपके हर दुख हमारे। आज के बाद आप पे आने वाली हर मुसीबत को पहले हमसे टकराना होगा। अरे सुनिए, ये फूल जाकर आप मंदिर में लगाइए। बहू ने कहा था यहाँ पे सिर्फ रंग बिरंगे फूल लगने चाहिए, ठीक है? जय जल्दी करिए। अरे सुनो, जाके तुम तब तक दियो का इंतजाम करो, लेकिन थोड़ा जल्दी। चाची जी, आप अब तक तैयार नहीं हुई, जाइए ना, तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। और तू भी अभी तक तैयार नहीं हुई, जा जाके जल्दी से तैयार हो जा। चाची जी, हमने वो लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए कहा था ना, उसका क्या हुआ? उसी वक्त मैंने उसे कह दिया था मूर्ति वाली कभी भी आती होगी। ठीक है, हम मंदिर की सजावट देखते हैं, ठीक है? परीक्षा है भगवान, हर कदम पे अब डर लगने लगा है कि हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। भगवान, हम तो बस यही चाहते हैं कि ये परिवार खुश रहे, और जब रोहन जी को होश आए तो वो हमारे रिश्ते की सच्चाई खुद सबको बता दे। इसलिए भगवान, रोहन जी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए भगवान। बस भगवान, हम ये त्योहार आपका नाम लेकर इसी भरोसे से मना रहे कि इस परिवार का आने वाला कल उतना ही सुंदर, उतना ही रोशन होगा जितना ये दिवाली का त्योहार है। नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। देखो, हम दिवाली मनाए या ना मनाए, कार्ड पार्टी तो मेरे ही घर पर होगी। देखो कामिनी, बुरा मत मानना, उससे तुम्हारे घर पर मिसेस चड्डा और मिसेस पांडे के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तुम्हारे घर पर कोई नहीं आना चाहता। ओह कम ऑन, अब इतना भी कुछ नहीं हुआ था, और अगर फिर भी वो नहीं आना चाहते तो ना है। मेरे घर पर कार्ड पार्टी उनके बगैर भी हो सकती है। इस घर में कोई कार्ड पार्टी नहीं होगी,
हेलो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है कामिनी। जब तुम्हारे पति ही नहीं चाहते तो क्यों सबको इस घर पर बुलाकर सबकी बेइज्जती करना चाहती हो? मैं मिल गई तसल्ली आपको मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करके? कामिनी, दिवाली का त्योहार होता है लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, लक्ष्मी जी का सम्मान करने के लिए, जुआ खेलकर उनका अपमान करने के लिए नहीं। कुछ तो सीखो अपनी बहू से, वो इस घर को सजा रही है, सवार रही है, इसलिए नहीं कि वो जश्न मनाना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो रोहन को जल्दी ठीक करना चाहती है ताकि वो ठीक होकर अपने पांव पे खड़ा हो जाए। ओ गॉड, बस कीजिए, बंद कीजिए अपना ये बहु पुराण। और माफ कीजिए, अगर आपका बेटा जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से हम जिंदगी जीना छोड़ नहीं देंगे। चुप करो कामिनी, चुप करो। मेरी गलती थी कि मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे के लिए एक मां ला रहा हूं, उसे प्यार देगी, मां का प्यार। मेरी गलती थी। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां मंगाई थी, वही लेकर आई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? थोड़ी देर हो जाती तो मुहूर्त निकल जाता, सब अधूरा रह जाता। ऐसे कैसे मुहूर्त निकल जाता? मेरा मतलब है कि चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ती। अच्छी बात है। वैसे भी आज का दिन सबके लिए बहुत ही शुभ होता। आज का दिन तो वाकई में बहुत शुभ है। जो हम चाहते थे आज वो होने जा रहा है। इसे क्या होने वाला है? कत्ल। क्या? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, आपने तो सच में मान लिया। हमारा कहने का मतलब ये था कि आज दिवाली का दिन सारे दुखों का नाश होता है। तुम्हारी बातें तो हमें समझ में नहीं आ रही है। आ जाओ और मूर्तियां दिखा दो। कितने पैसे? पैसे कैसे ले सकते हैं? तो बस आपसे एक मदद चाहते हैं। अगर आप हमारी मदद कर दे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। देखिए, हमारे घर पे तो कोई नहीं जो दिवाली पूजन कर सके। अगर आप हमें आज्ञा दे तो हम आपके घर पे दिवाली पूजन देखें। कर लो कल। पूजा में शामिल होने के लिए भी थोड़ी ना पूछना पड़ता है। चाची जी, आप यहाँ रुकिए, हम रोहन जी के पास जा रहे हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन कर रहे हैं। ठीक है बहू, तो जल्दी जा, जल्दी जा। चीज़ पानी मिलेगा? हाँ, अभी लेके आती हूँ। तो तुम हो वो जिसे रोहन को मुझसे छीन लिया। जितने मर्सी आशीर्वाद दिलवाए, लेकिन आज खुद भगवान भी ना
रोहन को मुझसे नहीं बचा पाएंगे। कितना दूर भागोगे तुम मुझसे रोहन? देखो आज मैं तुम्हारे कितने करीब आ गई कि तुम्हारी सांसें तक छीन सकती हूँ। रोहन जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाची जी बता रही थी कि जब आप होते थे ना तो दिवाली में बहुत रौनक होती थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आप फिर से सबके साथ दिवाली मनाएंगे। हम जानते हैं कि आपके पूरे परिवार को आपकी कमी कितनी महसूस हो रही है, लेकिन आज हम आपसे एक वादा करते हैं, हम किसी को भी आपकी कमी नहीं महसूस होने देंगे। रोहन के बगैर जीने की आदत डाल लो बिट्टू, क्योंकि मैं यहाँ आ गई हूँ और अब रोहन को तुमसे इतना दूर कर दूंगी कि सिर्फ आज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी उसकी कमी को महसूस करती रहोगी। तो पानी मांगकर खुद ही गायब हो गई? जी हमने खुद ही पानी पी लिया। अच्छा ठीक है, पूजा शुरू होने वाली है, रुको यहाँ। राज कहाँ है? अब वो भाई साहब बाहर गया हुआ है। सुरेंद्र भी दिखाई नहीं दे रहा? जी वो किसी जरूरी काम से बाहर गए। अच्छी तरह जानता हूँ क्या काम है उसे, उसके लिए फालतू के बहाने मत बनाए कर। छोड़िए ना भाई साहब इन बातों को। मैं तुम्हारी कितनी करीब आ गई कि तुम्हारी सांसें तक छीन सकती हूँ। गॉड, ये पाइप किसने निकाल दिया? साहब ने कहा था कि भाई का पूरा ख्याल रखना है, फिर भी भाभी भाई को यूं अकेला छोड़कर चली गई। भाभी को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो क्या हो जाता? मैडम, जो काम आपने बोला था वो काम हो गया। समझ में नहीं आ रहा है भगवान कि हम क्या करें। कभी कभी ऐसा लगता है कि रोहन जी के साथ जो भी बुरा हो रहा है शायद हमारी वजह से हो रहा है, शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है
जिस किसी के साथ हमारी जिंदगी जुड़ी है उसे तकलीफों का सामना ही करना पड़ा है। इसलिए भगवान इस बार आपको जो भी सजा देनी है वो रोहन जी को नहीं हमें दीजिए। हमारी वजह से उन्हें उन्हें और तकलीफ मत दीजिए और तकलीफ। सिर्फ भगवान की पूजा करने से ही भाई ठीक नहीं होंगे। आपको खुद भी कुछ करना होगा। जी हम समझे नहीं। आपका कहने का ये मतलब है कि हम रोहन जी का ख्याल नहीं रख रहे? आप इस काबिल ही नहीं है कि भाई का ख्याल रख सके। आपको भाई के पास रहने के लिए कहा गया था ना, और आप यहाँ भगवान को मनाने में लगी हुई हैं। आप इसलिए कहना चाहते हैं कि हम नहीं रख रही हैं आप भाई का ख्याल। डॉक्टर के इतना समझाने के बावजूद भी कि एक छोटी सी गलती भाई के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी आपने वो ग्लूकोज का बोतल तो लगा हुआ देख लिया, लेकिन पाइप लगा है कि नहीं जरा नहीं देखा। अरे इतनी भी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप? अगर मैं सही वक्त पे ना पहुंचता तो मेरे भाई की जान जा सकती थी, और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं, हमें अच्छी तरह से याद है ये जब हम वहां से बाहर गए थे हम लगाकर ही गए थे। वो पाइप हमने निकाल दिया। आप यही कहना चाहती है ना? देखिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे भाई की जिंदगी के साथ मत खेलिए। अगर हम वहां सही वक्त पे ना पहुंचे होते तो पता नहीं क्या हो जाता। उसे तुम इस तरह नाराज क्यों रहे? आप इन्हीं से पूछ लीजिए डैड, ये क्या बात है? वैसे तो तुम्हारी जबान बहुत चलती है, अब मुंह क्यों सी लिया तुमने? अब चुप क्यों खड़ी हो? मैं अपनी गलती नहीं मानेंगी मॉम। मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। ठीक है ना? हाँ, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमें नहीं पता वो पाइप कैसे निकल गया। जब हम वहां से आए थे हमारा यकीन कीजिए हम ठीक से लगा कर ही आए थे। तो वो पाइप निकाला किसने? तुम ये कहना चाहती हो कि राज झूठ बोल रहा है? नहीं माँ जी। हाँ हाँ बोलो क्या अपने आप निकल गया वो पाइप? दूसरी बार हो रहा है ये भाई साहब, दूसरी बार। चलो मान लिया हम सब ने कि पिछली बार तुमने कुछ नहीं किया, उस बाहर से आई हुई औरत ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की होगी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उसमें क्या कहना है तुम्हें? और आपको क्या कहना है भाई साहब? रब के वास्ते बस करिए। हो सकता है कि बहू से गलती हुई हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सब इतना बड़ा इल्जाम लगाए इसमें। मिमी ठीक कह रही, अगर सोचे समझे हमें किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। आप बस सोचते समझते रहिए, लेकिन ये लड़की इसके लायक ही नहीं है कि रोहन का ख्याल रख पाए। कामिनी इस बार मॉम गलत नहीं है डैड, और हमें भी ये लगता है कि भाई की देखभाल का जिम्मा इन्हें तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके हमें भाई के लिए एक अच्छी नर्स का इंतजाम करना चाहिए।
डैड। क्या अपने आप निकल गया वो पाइप? दूसरी बार हो रहा है भाई साहब। हमें भी ये लगता है कि भाई की देखभाल का जिम्मा इन्हें तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जितनी जल्दी हो सके हमें भाई के लिए एक अच्छी नर्स का इंतजाम करना चाहिए। मैं जानता हूं डैड, आप भाई को लेकर बहुत परेशान हैं, मगर आपके साथ साथ हम भी उतना ही परेशान हैं। आज जिस तरह भाई की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई थी, ऐसा दोबारा ना हो इसलिए मैंने वो नीचे नर्स वाली बात कही। अगर आपको लगा कि मैं जानबूझकर भाभी पर गुस्सा हो रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है डैड। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ। आप जानते हैं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनमें वो नर्सिंग का सेंस नहीं है डैड। हम माने या ना माने, लेकिन हमें भाई के लिए एक पढ़ी लिखी नर्स का इंतजाम करना होगा। मैं जानता हूं आप भाभी को दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज डैड, जिद में कोई भी डिसीजन लेने से पहले भाई के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। होगी तो रब को इस घर से नाराज हो जाना है, मैं मानती हूँ। रजाई जी या इन्होंने तुझे जो भी कहा वो सही नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर के बाकी लोग तुझसे प्यार नहीं करते। चाची जी, उन्होंने हमें कुछ कहा, हमें बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने हम पे ये इल्जाम लगाया कि हमने जानबूझकर रोहन जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम चाची जी, हमने भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, जो भी चाहे वो यही कि भगवान रोहन जी को जल्द से जल्द ठीक कर दे और इस घर में वैसी ही खुशियां वापस लौटे जैसे पहले हुआ करती थी। हम तो बस यही चाहते हैं चाची जी। खुशियां इस घर में थे कहां पुत्र जी, इस घर के लोगों के दिलों में महल जम गया था, तभी तो वह इस तरह से बातें कर रहे हैं। यही तो हम चाहते हैं चाची जी कि ये महल साफ हो जाए, वो अकेलापन दूर हो जाए जो सबके दिल में बस गया है। तो फिर आप ही कहिए चाची जी, हमने ऐसा बुरा क्या किया है जो सब हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे। अरे, हमारे और रोहन जी के बीच में तो एक विश्वास का ही तो रिश्ता है, और हमने कभी ये भरोसे की मर्यादा या पवित्रता को पार भी नहीं किया है। फिर आप ही बताइए चाची जी, हम ऐसा क्यों करेंगे जिसके वजह से रोहन जी को नुकसान पहुंचे। ना पुत्र ना, तो रोहन तो क्या, किसी के साथ भी बुरा करना तो बहुत दूर की बात है, तो सोच भी नहीं सकती है। तो इनकी बातों को दिल पे मत ले। फिर हम क्या करें चाची जी, क्या करें चाची जी, क्या करें हम? पापा जी ने और आपने हमारी जोली में नए रिश्ते डाल दिए हैं, झूठे ही सही, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमने हमने पूरी तरह से इन रिश्तों को निभाने की कोशिश की है।
मुश्किल से हमने अपनी जिंदगी को समेटा है चाची जी, लेकिन अब की बारी है बिखरी, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, टूट जाएंगे हम। हेलो हेलो डॉक्टर रस्तोगी। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर रस्तोगी, मैं वीरेंद्र राय कपूर बोल रहा हूँ। हाँ कहिए मिस्टर कपूर। डॉक्टर रस्तोगी, जैसा कि आपने कहा था कि मेरे बेटे रोहन की देखभाल के लिए 24 घंटे के लिए कोई होना चाहिए जिससे उसकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके, तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रेन नर्स अगर मेरे बेटे की देखभाल के लिए आप रखवा सके तो। जी ठीक कह रहे हैं आप, मैं जल्द ही एक ट्रेन नर्स भिजवा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तुम रोहन के बारे में सोचकर बेकार में ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेटा। तुम्हारे डैडी हमारी बात नहीं मानेंगे। उनके सर पर तो आजकल वो बिट्टो नाम का भूत चढ़ा हुआ है और वो भूत इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी तुम्हारे डियर डैडी को ये बात कौन समझाए कि उनकी ये डियर बहू घर के नौकरों वाले काम करने के ही लायक है। एक अच्छी पढ़ी लिखी समझदार लड़की क्या काम कर सकती है, ऐसा तो ये सोच भी नहीं सकती। और अगर फिर भी तुम्हारे डैडी इससे कुछ उम्मीद रखते हैं तो ये सिर्फ उनकी बेवकूफी है। बेचारा रोहन, वो तो चिल्लाकर ये भी नहीं कह सकता कि कोई उसे इस गवार से बचाए। पापा जी, चाय। थैंक यू बेटा। डैड, क्या सोचा फिर आपने उसके बारे में? किस बारे में? नर्स वाली बात के बारे में। हाँ, वो डॉक्टर से बात की थी मैंने, वो आज भिजवा रहा है एक नर्स। शुक्र है कुछ देर से ही सही, पर आपकी आंखों के आगे से बिट्टो नाम का अंधेरा तो हटा। इस घर में आपकी बहू के अलावा और भी लोग रहते हैं, ये तो याद आया आपको? कामनी, तुमसे कहा ना मैंने, बुलवाइए ना नर्स, अब बस कर। अगर मैंने बस कर दिया तो ये घर अनाथों और गवारों का अड्डा बन जाए। कामनी, मैंने नर्स बुलवाई है जो रोहन की सिर्फ दवाइयों का ख्याल रखे, रोहन के दूसरे काम बहुत ध्यान रखेगी। नहीं, अब ये गवार रोहन का कुछ ख्याल नहीं रहा, जो करना है वो नर्स करे। पहले ही इस गवार की वजह से रोहन और हम सब बहुत कुछ भुगत चुके और बाकी काम कर रहे हैं तो इस घर में नौकरों वाले और भी बहुत काम हैं। कुछ कहने से पहले जरा सोच लिया करो कि क्या कह रही है। सही तो कह रही है, पर अब आपको कौन समझाए। भाई साहब, जो इंसान जिसके लायक हो उसे वही काम देना चाहिए। अगर इस अनपढ़ ने एक भी दवाई उल्टी दे दी तो रोहन का तो राम नाम सत हो जाएगा। सुरेंद्र ठीक ही कह रहा है, अब ये गवार रोहन के लिए कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं लेगी, जो नर्स कहेगी वही करेगी, समझी? तो जी। बहू, इसकी बात का बुरा मत मानना,
नहीं पापा जी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आपने रोहन जी के लिए जो भी सोचा है वो ठीक ही सोचा है। माँ जी सही कह रही है, वो हमसे अच्छा तो उनका ख्याल रखेगी। हमारे लिए ये बात नहीं मायने रखती है कि हम उनका ख्याल रखें या कोई और। हमारे लिए ये मायने रखता है कि रोहन जी सही सलामत रहे, है ना पापा जी? लो, आ गया काम इसके लिए। जाओ जाकर दरवाजे पर देखो कौन है। जी माँ जी। नर्सिंग केयर हॉस्पिटल से आई। स्टर 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 इनकी देखभाल करना 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 जी आप, मैं नर्सिंग केयर हॉस्पिटल से आई हूँ। अब यहाँ क्यों खड़ी? आइए ना अंदर, आइए। अब अंदर आइए ना। घर में जो मेरी जगह होनी चाहिए थी वहां पे तो तुमने कब्जा कर लिया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और जो सुख मुझे मिलने चाहिए थे वो मैं तुमसे भी छीन लूंगी बिट्टो। तुमने एक बार तो रोहन को मुझसे बचा लिया, लेकिन अब ये दूसरा मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूंगी? पापा जी, ये वही नर्स है जो आपने बुलाया था रोहन जी की देखभाल के लिए। मैंने बात की थी डॉक्टर साहब से। क्या नाम है डॉक्टर साहब का जिन्होंने आपको भेजा है? डॉक्टर रस्तोगी। हाँ डॉक्टर रस्तोगी। अरे कैसे दिमाग से स्लिप हो गया। ये चोट कैसे लगी मैडम? कांच टूट के गिर गया था, वही लग गया। अक्सर ऐसे केस में लोग अपनी खुद ही कलाई काट देते, कहीं आपने भी तो। काम हो गया ना तुम्हारा खत्म? चलो निकलो। यस डॉक्टर रस्तोगी। देखो तुम्हें जल्द से जल्द जाना है मिस्टर वीरेंद्र राय कपूर के घर पर, उनके बेटे रोहन कपूर की देखभाल के लिए। जी मैं चली जाऊंगी, आप मुझे सिर्फ एड्रेस लिखवा दीजिए। मिस्टर वीरेंद्र राय कपूर,
पेशेंट का नाम मिस्टर रोहन राय कपूर। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज ही चली जाऊंगी। उन्होंने आपको रोहन की बीमारी के बारे में एक्सप्लेन किया ना? आइए मैं आपको सबसे मिलाता हूं। यह है कामिनी, रोहन की मां। और यह है रोहन की पत्नी बिट्टू। नमस्ते। ये पत्नी जरूर है रोहन की, लेकिन फिर भी रोहन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी मैं जो भी काम हाथ में लेती हूँ उसे पूरा जरूर करती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हर डॉक्टर रस्तोगी ने तो मुझे कहा था कि रोहन जी उनकी खास पेशेंट है, उनका मैं अच्छी तरह ध्यान रखूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रोहन जी का ध्यान उनकी पत्नी से भी ज्यादा अच्छी तरह रख सकूं। जी आप बुरा मत मानिए, कहते हैं ना, पेशेंट को अगर इस हालत में प्यार दिया जाए और उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती। मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। जी हम हर पल आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन लेकिन इससे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। अगर ये किसी मदद के लायक होती तो तुम्हें ही आना बुलाना पड़ता। दोबारा अगर इसकी मदद ली तो रोहन की जान जरूर खतरे में पड़ती। तो मेरे रोहन का कमरा दिखा। जी पापा जी, चलिए। मॉम, आपको भाभी से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? कितना बुरा भला कहा आपने उन्हें, और वो भी उस नर्स के सामने। कितना बुरा लगा होगा भाभी को। तो क्या गलत किया मैंने? अब से उस नर्स पर ही रोहन की सारी जिम्मेदारी। उसे पता होना चाहिए कि रोहन की जान को किस किस चीजों से खतरा है, और अगर मैंने उसे ये समझा दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। रोहन जी
कुछ दिनों से इनकी तबीयत काफी खराब है। एक बार तो ये सांस भी नहीं ले पा रहे थे। शांति हो मैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई। बहुत फिक्र कर दिया ना आप अपने पति की। अब आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। बस अब आप ये समझिए कि मैं यहाँ पर अपने पति के लिए आई हूँ। जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आप अपने पति की सेवा कर रही है, वैसी ही सेवा मैं भी अपने पति के लिए करना चाहती हूँ। इस घर से काम करके जो पैसे मिलेंगे ना मुझे, वो पैसे मेरे पति के ही तो काम आएंगे। हाँ देखिए, आपको हमारी कोई भी मदद चाहिए ना तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं यहाँ आ गई हूँ अपने मरीज यानी रोहन जी को हर तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आपकी बातें तो मैं समझ में नहीं आ रही है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? मेरा कहने का मतलब है, इस दुनिया में जब भी कोई नर्स कदम रखती है ना, तो उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने मरीज की सेवा करे, और वो कर्तव्य मैं बहुत अच्छी तरह से पूरा करूंगी। बस आप यही समझिए कि आपने इस दुनिया में इसलिए कदम रखा है ताकि आप रोहन जी की सेवा कर सके। इसमें कहने वाली कौन सी बात है? इसी मौके की तो मैं कब से तलाश में थी, पर आज जब ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे कैसे हाथ से जाने दूँ? आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा और रोहन जी की चिंता भी कम होगी, और हमें यकीन है कि आप रोहन जी का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, हमसे भी अच्छी तरह से। बहुत बोली हो तुम बिट्टो, मैं यहाँ तुम्हारे रोहन जी की तकलीफ दूर करने नहीं आई, बल्कि तुम सबसे दूर करने आई। ये लीजिए। हाँ और एक बात, इनकी जो ग्लूकोज की बोतल है ना, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और इनके चेहरे पे जो ऑक्सीजन मास्क है वो कभी हटना नहीं चाहिए। हाँ इसलिए मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये जो फाइल है ना, ये मुझे डॉक्टर ने पहले ही दे दी थी, मैं इसकी स्टडी भी कर चुकी हूँ। वैसे भी मैं ट्रेन नर्स हूँ, मुझे मालूम है कि मरीज को कब और क्या देना है। आपने बहुत अच्छा किया भाई के लिए नर्स अरेंज करके। रोहन की वजह से ही सही, कम से कम इनका दिमाग तो चला। अब जब रोहन की जान पर बना है तब जाके इन्हें होश आया, वरना हमारा तो कब से दम घुट रहा था उस गवार को इस घर में देख देख कर। लेकिन एक नर्स पत्नी की जगह कभी भी नहीं ले सकती। मैं तो अब भी मानता हूं कि बहू से बेहतर रोहन की सेवा कोई भी नहीं कर सकता। लो सुन लो, गिर कर भी टांगे ऊपर ही हैं। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आपकी बहू एक गवार, अनपढ़ और यूजलेस है?
बहू तो अपनी मजबूरी के कारण डांपड़ है, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों दिमाग को पढ़ सकती है, समझ सकती है। और तुम तो पढ़ी लिखी, लेकिन फिर भी सोच से, अपने दिल से, दिमाग से बिल्कुल अनपढ़। ओ गॉड, आप लोग भी टॉपिक को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। कि पापा ने नर्स को यहाँ पे इसलिए नहीं बुलाया कि भाभी भाई का ख्याल नहीं रख पाएंगी, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि उस नर्स की वजह से भाभी भाई का बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का अफसोस रह जाएगा कि तुम लोगों के कहने पर मैंने एक पत्नी से पति की सेवा करने का अधिकार छीन लिया। दीवार पर सर पटक कर कोई फायदा हो सकता है, लेकिन इनसे बात करके कोई फायदा नहीं। ये अभी भी उसी सोच में डूबे हुए हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उस नर्स के आ जाने की वजह से इनके बेटे रोहन की जिंदगी लंबी हो गई। हाँ, ये बात 101% सही कही आपने। वैसे भी जब से वो बिट्टो रोहन की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी को ग्रहण सा लग गया है। अब कम से कम नर्स के आने से ये तो उम्मीद जागी है कि आज न कल रोहन को होश जरूर आएगा। आप लोग बस करेंगे ये सब प्लीज, बस भाई ठीक हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ, जरा प्रतिभा से बात कराइएगा। सॉरी प्रतिभा। ओ आई एम सॉरी, नर्स मैंने आपके घर पे भेजी है। मैं डॉक्टर रस्तोगी बोल रहा हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए प्लीज। किसका फोन है? डैड, डॉक्टर रस्तोगी का फोन है, जो नई नर्स आई है ना, उनसे बात करना चाहते हैं। तो रुक, मैं भी उसे बुला के लाती हूँ। देखिए, रोहन जी का हर जरूरी सामान इस कमरे में, दवाइयाँ भी यहीं पे है। अगर ये खत्म हो जाए तो आप हमें बता दीजिए। जी, और कुछ? जी, और कुछ नहीं। अगर किसी और चीज की जरूरत पड़े तो आप हमें कह दीजिए, और आपको कुछ जाना है तो आप हमें बता दीजिए, शायद हमने आपको बताया नहीं होगा। एक सवाल है, पर जाने दीजिए, कहीं आपको बुरा ना लगे। नहीं नहीं, आप पूछना चाहती है ना, पूछ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं, हमने आपको सब कुछ बता दिया। मैं दवाइयों के बारे में नहीं पूछ रही, मैं तो आपसे आपके और रोहन के रिश्ते के बारे में पूछ रही। मैंने कहा था ना, आपको बुरा लग जाएगा। मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती थी कि आप इतनी सिंपल हैं और रोहन जी इतने बड़े बिजनेसमैन के लड़के, आप दोनों की शादी कैसे? क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। डॉक्टर रस्तोगी का फोन आया है। डॉक्टर रस्तोगी का फोन आया है। रस्तोगी जी को भी फिक्र हो रही होगी रोहन जी की। कुछ कुछ कहा उन्होंने? नहीं, और शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप उनसे कह दीजिए कि मैं रोहन जी के बारे में कुछ जान रही हूँ, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगी। पर हमने आपको सब कुछ बता दिया है।
फिर भी आप बात कर लीजिए ना, शायद कुछ जरूरी हो रोहन जी के बारे में, है ना? चले चले। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी। अरे आपने इतनी जल्दी रोहन के लिए एक अच्छी सी नर्स का इंतजाम कर दिया। थैंक्स की क्या जरूरत है सर? नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो रोहन की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी। क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे लीजिए, आप बात कर लीजिए, वो आ गई डॉक्टर रस्तोगी। हेलो।